नो रिग्रेट्स। अब जो मोटिवेशन है ये उसी ब्रेक की वजह से, और ये ब्रेक सही में बहुत नेसेसरी था। इस चैनल का फ्यूचर क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या कंटेंट आएगा, बिकॉज आपको मेरे बाल मुझसे भी ज़्यादा अनोइंग लगते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दिस इज़ जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग समथिंग न्यू, और ये मैंने हमेशा से किया है। और बाल लंबे करना मेरा हमेशा से, मतलब मेरा बहुत मन करता था लेकिन मैं कभी नहीं कर पाता था, या तो कोई शादी आ जाती थी या कोई फंक्शन या कोई ट्रिप या कुछ भी। बट इस बार मैंने सोच लिया था या तो मैं ट्रिप कैंसिल कर दूंगा बट मैं बाल तो लंबे करके रहूंगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने बाल लंबे करने शुरू किए थे तब था सितंबर, तब वहाँ पे समर्स आने वाले थे सिडनी में, और ये मेरे हांगकांग ट्रिप से पहले था। बट मैंने सोचा चल यार ठीक है, जब तक लंबे होंगे विंटर्स आ जाएंगे। ऐसा हुआ, बाली ट्रिप तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद आप सबको पता है क्या हुआ, मैं इंडिया में आ गया और यहाँ पे समर्स अभी शुरू हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा कोई दिन नहीं होता, मेरे को दिन में कम से कम 4 बार थॉट आता है यार चल यार बाल काट दे, क्यों ग्रो कर रहा, मतलब क्या जबरदस्ती है। बट देन आई जस्ट वांट टू पुश इट दिस टाइम, मेरे को देखना, मेरे को पता है नहीं अच्छे लग रहे बट आई जस्ट वांट टू डू इट दिस टाइम, मतलब एक बार करके रहना है, उसके बाद काट दूंगा, उसके बाद कभी लंबे नहीं करने। लेट्स सी, अभी पता नहीं, बट तब तक के लिए ऐसे ही ठीक है। मैं वर्कआउट कर रहा था तो मेरे को एक बात याद आई, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि मेरे ट्रेनिंग में ब्रेक आ गया था, बट वो ब्रेक क्यों आया, उसका रीज़न क्या था, वो मैंने कभी नहीं बताया, तो वो मैं अब बता देता हूँ। और उसका रीज़न ये है कि मैं बोर हो गया था। हाँ यार, मतलब पिछले 5-6 साल से सेम एक्सरसाइजेस, ठीक है स्प्लिट्स चेंज करते रहो लेकिन एक्सरसाइजेस वही रहती है, कर करके बोर हो जाते हो, तो मैं बोर हो गया था वही करते करते। जब ये फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में थॉट आया तो मेरे को लगा नहीं यार शायद साइकोलॉजिकल है, तो मैंने इग्नोर किया। मेरे को ये लगा कि मे बी आई जस्ट हैव टू मेनी थिंग्स ऑन माई प्लेट राइट नाउ, इसलिए मेरे को ये लग रहा है कि मैं बोर हो गया हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जब ये दूसरी तीसरी बार आया तो मैं एनी वे मेलबर्न जा रहा था, तो मैंने एक हफ्ते का ब्रेक लिया, आई फेल्ट गुड। लेकिन 1-2 महीने बाद दोबारा ये हुआ, तो मैंने काफ़ी बार सोचा ठीक है मैं अपना स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग चेंज कर देता हूँ, क्रॉसफिट पे शिफ्ट हो जाता हूँ या पावर लिफ्टिंग पे शिफ्ट हो जाता हूँ, बट मैंने ब्रेक ही ले लिया। मैंने सोचा नहीं यार लेट्स जस्ट टेक इट ईजी, ब्रेक प्रॉपर नहीं लिया बट मैंने बस ये सोचा लेट्स जस्ट टेक इट ईजी, और वो ईजी कुछ ज़्यादा ही ईजी हो गया है, और अब बस यही सिचुएशन है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था, मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी एटॉमिक हैबिट्स, शायद काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें एक पैराग्राफ था जो काफ़ी सही लगा मुझे और जो मैं मेंशन करना भूल गया, तो मैं अब कर रहा हूँ। सो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। सो दो लोग बात कर रहे होते हैं, एक जो राइटर होता है एंड दिस अदर गाय। सो वो बंदा पूछता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट एथलीट्स एंड एवरीवन एल्स, व्हाट डू द रियली सक्सेसफुल पीपल डू दैट मोस्ट डोंट। So he mentioned the factors that you might expect, genetics, luck and talent. But then he said something I wasn't expecting. At some point it comes down to who can handle the boredom of training every day doing the same lifts over and over and over. Ye baat sachi na dil pe lagi ekdam. Now if you don't mind main apna workout continue kar lu. तो जिम्स तो अभी खुलने वाले हैं नहीं जल्दी से, और मेरे पास कुछ खास जिम का इक्विपमेंट है नहीं, बस 2 7 किलो के डंबल है और एक रेजिस्टेंस बैंड है जो मैंने यहाँ डोर से ऊपर लगा रखा है। लेकिन जब भी एक्सरसाइज करता हूँ ना हमेशा डर लगता है कि टूट ना जाए, और अभी टूट गया यार। मेरी आखिरी उम्मीद थी यार ये बॉडी बनाने की, वापस शेप में आने की, और वो भी ओके। सो अब बात करते हैं उसकी जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, बट उससे पहले ये लाइट चेंज करते हैं। या दैट लुक्स गुड। एनीवे, सो अब बात करते हैं कि इस चैनल का फ्यूचर क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या कंटेंट आएगा, बिकॉज ओवर दिस लास्ट 1 ईयर, हाँ 1 साल से ना ये चैनल, तो तब से इस चैनल पे वैरायटी ऑफ कंटेंट आ चुका है। जैसे कि पहले आई स्टार्टेड विद फिटनेस, देन आई डिड सम टैग वीडियोज, ट्रैवल वीडियोज, व्लॉग्स, ट्रैवल वीडियोज, तो
ये सब मिक्स हो चुका है. एंड मैं पहले बता चुका हूँ दैट आई वॉच अ वैरायटी ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब, बट आई रियली एंजॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग व्लॉग्स. और व्लॉग्स ऐसी चीज है जो सब साथ में बैठ के देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एडिटिंग वीडियो डालूंगा, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू वॉच इट, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू एंजॉय इट, तो वो सब मैं अलग रखना चाहता हूँ इस चैनल पे. सिर्फ मैं व्लॉग्स, एंटरटेनिंग कॉन्टेंट और लाइक चैलेंजिंग वीडियोज, चैलेंज वाली वीडियोज डालना चाहता हूँ. और बाकी सब वीडियोस जैसे कि कैमरा कंपैरिजन, टेक वीडियोस, अनबॉक्सिंग, वो सब मैं दूसरे चैनल के लिए रखना चाहता हूँ. सो फॉर दैट सेम पर्पज आई हैव मेड अनदर चैनल. फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू इंटरेस्टेड इन ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बस यही बताना था कि यहाँ पे सिर्फ व्लॉग्स आने वाले हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. ओके, सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. यार पता नहीं अभी मेरे ना 60-70% व्यूअर्स जो मेरी वीडियोस देखते हैं रेगुलर बेसिस पे वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं. तो नीचे एक रेड बटन होगा, उसको दबाओ एंड यू आर गुड टू गो. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय. ओ वेट, एक चीज़ बताना भूल गया. तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि पिछली 5-6 वीडियोस थोड़ी सी डार्क थी. डार्क एज इन लाइक लाइटिंग अच्छी नहीं थी, प्रॉपर नहीं थी. वो इसलिए क्योंकि मैं ये लैम्प यूज़ कर रहा था येलो लाइट करके. बट अब खर्चा हो चुका है, और खर्चा हुआ है तो बताना बनता है. रिंग लाइट आ चुकी है, तो अब लाइट की जो प्रॉब्लम थी ख़त्म हो चुकी है. अभी देख रहे हो, अभी रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं और लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बस ये बताना था. I'll see you in the next one.